दुबई में खुला भव्य हिंदू मंदिर, मुस्लिम देश में दशहरे पर होगी भगवान शिव और कृष्ण के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा। दुबई के जबेल अली में 4 अक्टूबर को पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया। 8 अक्टूबर से श्रद्धालु इस मंदिर में आकर दर्शन करते दिखाई दिए। स्थानीय मीडिया की तरफ से बताया गया कि देश के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहन बिन मुबारक अल नाहयान और यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मंदिर के अथॉरिटीज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। ये मंदिर जो सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए है, 1 सितंबर को खुल गया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन बुधवार को हुआ है। ये यूएई का पहला ऐसा मंदिर है जो किसी एक समुदाय के लिए है। मंदिर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मंदिर परंपरा का प्रतीक है जिसे आने वाले समय के लिए तैयार किया गया है। दुबई में बने इस भव्य मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग दुबई सरकार की सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग सरकार के इस कदम पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर जनता के कुछ रिएक्शंस। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ट्विटर पर लिखते हैं, इस्लामिक राज्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंगलवार को इस मंदिर का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। तालिबान और आईएसआईएस से परे सहिष्णुता और उदारता की भी अपनी दुनिया है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान लिखते हैं, दुबई में सर्वधर्म सम्मान की मिसाल पेश की, एक और मंदिर का निर्माण हुआ। भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत ने मंदिर निर्माण के संबंध में लिखा, दुबई में भी अब सनातन का होगा प्रचार, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। दुबई में भव्य मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ये भव्य मंदिर 70,000 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित है। कतर के प्रसिद्ध लेखक अब्दुल्ला इमादी ने इस संबंध में ट्वीट करके लिखा, वो हमारी मस्जिदों को गिरा रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने वहाँ 20 करोड़ मुसलमानों को दिलों को तोड़ने का काम किया और हमने यहाँ 1 करोड़ हिंदुओं का दिल जीतने का पूरा प्रयत्न किया है। अमीरात में शायद सहिष्णुता या रवादारी का तस्वूर इसी को कहा जाता है। दुबई में भव्य मंदिर बनाने के दुबई सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।